मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, आप सभी दूसरी कक्षा में हो। अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। हाँ, तो आज कुछ हम नए मात्रा सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप अपना बुक निकालोगे तो आपको यहाँ पे लेसन नंबर 14 दिखेगा, पाठ 14। ठीक है, तो नई मात्रा की पहचान करने वाले हैं, जो है विसर्ग। क्या है विसर्ग? अ के सामने ये दो बिंदु दिए हुए हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। इस मात्रा को विसर्ग कहते हैं। आहा, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पाठ क्रमांक है 14, जो कि है आहा, यानी कि विसर्ग। ठीक है बच्चों, हाँ, और ये इस प्रकार से लिखा जाता है। हाँ बच्चों, तो यदि आप पेज नंबर 76 निकालोगे तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे। तो पहला शब्द है म। म के आगे यदि विसर्ग लगाया जाएगा तो ये बन जाएगा म। ठीक है, उसके बाद तो को यदि हम विसर्ग लगाएंगे तो त के सामने विसर्ग आ जाने से ये बन जाएगा तह। ठीक है, हाँ। इसके बाद आपको यहाँ पे तीन चित्र दिखाई देंगे। कितने चित्र? तीन चित्र, हाँ। तो पहला चित्र है यह नमः, यानी कि ये दो बच्चे जो छोटे छोटे हैं आपकी तरह, वो क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, नमस्कार कर रहे हैं, तो इसको नमः कहेंगे हम। इसके बाद यह है प्रातः, प्रातः काल, प्रातः यानी कि सुबह। ठीक है, यहाँ इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कौन है? सूरज है, सूरज उग रहा है। अभी सुबह हो रही है, इसीलिए इस चित्र को नाम क्या है? प्रातः। ठीक है, इसके बाद यह एक बच्चा जो है इसने होमवर्क नहीं किया हुआ है ना, हाँ, तो इसीलिए इसको मम्मी ने डांटा होगा या टीचर ने डांटा होगा, हाँ, इसीलिए वो दुख में बैठा हुआ है। तो दुख और ख, इन दो वर्णों के बीच में यह विसर्ग है, तो इसको दुख, इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, यह हमने अभी अध्ययन किया। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो, बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। तो इस बोल बोल कर पढ़ो में एक से लेकर 9 तक शब्द है। कितने शब्द है? लगभग 1 से 9 तक। तो ये 9 जो शब्द है हमारे, 9, तो ये 9 जो शब्द है ये आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में आपके कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आपके कॉपी में, ये नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला शब्द कौन सा है? चलो बोलो मेरे साथ, अतः। उसके बाद पुनः, ठीक, परिताः, निस्सहाय, दुशासन, अंततः, फलतः, शनै। इस प्रकार इस विसर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये शब्द आपको अच्छे से बोल बोल कर आपके कॉपी में लिखनी है। इसके बाद यदि आप हमारा अगला पेज देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई देगा, जो कि इसमें छोटी सी बच्ची है आपकी तरह, है ना, हाँ, और वो यहाँ पे क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे सूरज आया हुआ है, सुबह का वातावरण है। यहाँ पे एक घड़ी भी है, हाँ, दीवार पे टंगी हुई, हाँ। और यहाँ पे क्या है? भगवान का छोटा सा मंदिर है घर में, और वहाँ पे अगरबत्ती लगाई हुई है। तो यह वातावरण कैसा होगा? बहुत प्रसन्न होगा पढ़ाई के लिए, है ना, हाँ। इसीलिए बच्ची क्या कर रही है? अभी पढ़ाई कर रही है। इस लड़की का नाम आपको मालूम है? नहीं, तो चलो अभी हम ये पढ़ेंगे, तभी आपको हमें पता चलेगा कि इस लड़की का नाम क्या है।
है ना। हाँ, तो इस छोटी सी कहानी कहेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत छोटी सी है। तो यह कहानी का नाम है वेदिका। क्या है नाम? वेदिका। इस बच्ची का नाम क्या है? वेदिका। इस कहानी का नाम क्या है? वेदिका। तो अब आप सब यहाँ पे ध्यान दो, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ोगे, है ना। हाँ, तो देखो, वेदिका प्रातः 6 बजे उठती है, भगवान को नमन करती है, अपना पाठ पुनः याद करती है, निशाय की सहायता करती है, किसी को दुख नहीं पहुंचाती है, वह समझदार बालिका है। तो ये छोटी बच्ची जो है, जो लड़की है वेदिका, वो किस प्रकार से रहती है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो किस प्रकार से अच्छी बच्ची है। देखो, तो वो सुबह जल्दी उठती है, 6 बजे उठ जाती है, है? इसके बाद वो किसको नमन करती है, नमन किसको करती है? भगवान को। और वो अपनी पढ़ाई करती है, अपना पाठ पुनः याद करती है, यानी कि वो अच्छे से पढ़ाई करती है, निसहाय की सहायता करती है। निसहाय यानी कि जिसको मदद की जरूरत है, उस व्यक्ति को, उस आदमी को वो क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। निसहाय यानी कि जिसको मदद की जरूरत है। हाँ, उसके बाद किसी को दुख नहीं पहुंचाती, यानी कि वो किसी को हर्ट नहीं करती, वो अच्छे से रहती है। हाँ, ठीक है। वह समझदार बालिका है। वो किस तरह से बालिका है? समझदार है, उसको अच्छे से समझ है कि हमें किस प्रकार से बर्ताव करना है, किस प्रकार से रहना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह वेदिका कैसी है? अच्छी बालिका है, गुड गर्ल है ना। हाँ, आपकी तरह यह गुड गर्ल है। हाँ, चलो बच्चों, अभी हमने वेदिका की कहानी देखी है ना। हाँ, तो अभी हम हमारा अभ्यास छुड़ाएंगे। हाँ, तो अभ्यास में हमारा पहला सवाल है, रंगीन वर्णों पर विसर्ग लगाकर शब्द बनाओ और बोलो। बहुत ही आसान है ना। हाँ, जिन जो वर्ण रंगीन हैं, उनके सामने आपको क्या लगाना है? विसर्ग की मात्रा लगानी है और ये शब्द फिर से लिखना है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, चित्र देखकर सही शब्द लिखो। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीन चित्र दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? इस चित्र का शब्द लिखना है। ये चित्र किसका है? हाँ, बैल। तो यहाँ तक आपकी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी होगी या आप अभी कर रहे हो, है ना। हाँ, तो ये पढ़ाई आप अच्छे से करोगे। विसर्ग की आपको अच्छे से क्या करनी है? वर्कशीट छुड़ानी है, ठीक है बच्चों। और आज हम एक नई बात सीखने वाले हैं। कौन सी? हाँ, आज हम सीखने वाले हैं 10 खड़ी। क्या सीखने वाले हैं आज हम? 10 खड़ी, जो कि पेज नंबर 78 और 79 पर है। तो 10 खड़ी का मतलब आपको मालूम है? नहीं मालूम? ठीक है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारा जो बुक है, हमारी जो किताब है रोली, ये आपके हाथ में ले लो सब। हाँ, इसमें से आप पेज नंबर 78 और 79 निकालो जल्दी। वेरी गुड, सबने निकाला? हाँ मेरे अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको लाल रंग का एक बॉक्स दिखाई देगा, है ना। हाँ, और उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 10 खड़ी। क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार से 10 खड़ी लिखा है। हाँ, और यहाँ पे कई सारे वर्ण दिखाई देंगे। तो ये कई सारे वर्ण जो है, ये हमने अच्छे से पढ़ाई किए हुए सब क्या है? मात्राएं। क्या है सब? मात्राएं। तो पहले हमने
को किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगती। अमात्रिक वर्ण, इससे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अमात्रिक शब्द। हाँ, इसके बाद हमने आ की मात्रा का अध्ययन किया था, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। आप यहाँ पे गिनती करोगे तो ये आपको कितनी मात्राएं दिखाई देंगी? 10। हाँ, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको क वर्ण से लेकर हमारे ह वर्ण तक ये मात्राएं अच्छे से इन वर्णों को लगा दी है। ठीक है बच्चों, और ये आपको देख देख कर अच्छे से अपने जो हमारी कॉपी है, हमारे जो नोटबुक है, इसमें आपको देखने हैं। ठीक है बच्चों, तो दस खड़ी का मतलब ही ऐसा है कि ये जो 10 मात्राएं होंगी हमने अध्ययन किया है, जो हमने 10 मात्राओं का जो अध्ययन किया है उन मात्राओं को हम वर्ण से लगाएंगे। ठीक है, और क से लेकर ह वर्ण तक अच्छे हस्ताक्षर में आपको अपने कॉपी में लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया है? आज हमने लेसन नंबर 14 यानी कि लेसन नंबर 14 विसर्ग, इस मात्रा की आज हमने पहचान की है। हाँ, और आज हमने 10 खड़ी की भी पहचान की है। हाँ, तो बच्चों अच्छे से आप घर में पढ़ाई करो। ठीक है, घर में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सुरक्षित रहो।